दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो YouTube का जो थंबनेल है उसका पिक्सआर्ट में कैसे बनाते हो, इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हो, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद पिक्सआर्ट लिखने सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद ये डाउनलोड करना होगा, मेरे पास डाउनलोड करना होगा। इसलिए ओपन करना होगा। उसके बाद प्लस वाला हो, जो आइकन हो, इसके क्लिक करना होगा, इसमें क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद ये जो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड वाला जो आइकन हो, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद YouTube का जो थंबनेल है वो कौन सा साइज मिलेगा, तो टूल्स, सबसे पहले टूल्स बॉक्स से जाना होगा। टूल्स का ये जो क्रॉप आइकन में क्लिक करना होगा। क्रॉप आइकन में क्लिक करने के बाद यूट्यूब का जो थंबनेल का जो साइज है वो साइज में, इसमें साइज 16:9 ये वाला आइकन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो राइट कॉर्नर में ये वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग करना, करने के बाद थंबनेल, यूट्यूब का थंबनेल, यूट्यूब यूट्यूब का थंबनेल, यूट्यूब का थंबनेल। यूट्यूब का थंबनेल ये है, ये वाला कलर ऑप्शन, कलर पे क्लिक करना होगा। कलर पे क्लिक करने के बाद ये मैं ब्लैक कलर देता हूँ, ब्लैक कलर स्टॉक पे क्लिक करना होगा। ये स्टॉक का कलर, ये फॉन्ट का साइज,
ग्रेडियंट, ये वाला ग्रेडियंट ऑप्शन हो, राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद जो स्टिकर है, ये वाला स्टिकर है YouTube, ये वाला लोगो है बहुत से ज्यादा